लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में अज लुधियाना कांग्रेस वालों लुधियाना के भारत नगर चौक नजदीक फोन धरना दिता गया। इस दौरान सैकड़े कांग्रेसी वर्करां समेत कई विधायक शामिल हुए जिन्होंने लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों लिए इंसाफ की मांग की। पत्रकारों नाल गलबात दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अज उन्हां वालों 2 घंटे का मौन धरना दिता गया है ताकि सुतियां हुई सरकारों नूं जगाया जा सके और पीड़ित किसानों के परिवारों नूं इंसाफ मिल सके। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र का घाण कर रही है। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। आप सारे जानते हैं कि हिंदुस्तान जिहड़ा लखीमपुर के बड़ी माड़ी मनभागी घटना हुई, जिहड़े फार्मर के उत्ते जिहड़े सेंटर मिनिस्टर ने उन्होंने बेटे ने कार चढ़ा के उन्होंने मारता, उहदे वचों जिहड़ा असीं इंसाफ मंग रहे हैं मोदी सरकार तो कि फार्मरस जिहड़े अन्नदाता ने साडे उन्होंने काफ़ी लोग तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जाना जा चुकी हैं, साल तो बाद समा हो गया लेकिन उन्होंने कन्ना दे जू नहीं रेंगदी। लेकिन आ जिहड़ा इंसीडेंट होया उहदे ते गड्डी चढ़ाती बड़ा मंदभागा और असं उन्हों की बर्खास्ती की मिनिस्ट्री चो डिमांड कर रहे हैं और ये वास्ते साडे जिहड़े कांग्रेस के प्रधान ने सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उन्होंने आदेश से इस 2 घंटे का मौन व्रत असी रखा। जिहड़ा अंबाले एक बच्चे किसान से भी गड्डी चढ़ाई उहदे बारे की मैनू अंबाले बारे कोई इंसीडेंट पता नहीं है, बाकी जो भी यहोजे इंसीडेंट हो रहे हैं बड़े मंदभागे। देखो एक पासे पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़े फॉरन कंट्री है, मैं कंपेयर करा अगर अपने कंट्री नूं, उत्थे एक भी इंसान की की जिहड़ी जान की कीमत है बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा देश हिल जांदा जदों एक भी जान जांदी है। और इत्थे इन्नी निरकुन सरकार है, इन्ना इन्हां दे विच एक दर्द भी नहीं है कि इन्ने लोग साडे चले गए, गर्मी सर्दी उह बॉर्डर ते बैठे है अपनी डिमांड्स रख रहे और जेन्युइन डिमांड है। पूरा विपक्ष एक पासे है और जिहड़े रूलिंग पार्टी है मोदी सरकार एक पासे है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप है और मेरा ख्याल है कि इन्होंने हिटलर की याद जी ताज़ा करती और जिहड़ा अज असी मौन व्रत रखे है एक इंडीकेशन है। मेरा ख्याल है कि इस तो बाद सारी मूवमेंट जी है पूरे हिंदुस्तान चलेगी और फार्मर के हक के सारी जी जनता वै वो खड़ी हो जाएगी जिस दिन ये चीज़ हो गई तो मोदी जी ने फिर अपनी सरकार तो चलता होना चाहिए। बीजेपी सरकार एलीगेशन कांग्रेस से सोनिया गांधी से ला रही है भी वो ये कह रही है भी इतने का सारे राजनीति करने वास्ते चले गए, राजस्थान के एक मुंडे को कुट कुट मारता 7-8 जने, उत्ते कोई कांग्रेसी नहीं। देखो वो जी वीडियो है टीवी पर वायरल हो रही है लेकिन उतो कांग्रेस की सरकार है, साड़ी गवर्नमेंट है, उत्थे भी इंसाफ होना चाहिए और होएगा जे ये तो मतलब उन्होंने इस गल तो रिपब्लिक इंडिया एक चैनल है जिहड़ा फार्मर का कभी कोई एजिटेशन नहीं दिखाता, जब सिर्फ तो सिर्फ टारगेट करता जिथे कांग्रेस की गौरमेंट है। और मैं ये कहना चाहना जिहड़ा राजस्थान से सीन होया उहदे दोषियों भी सज़ा मिलेगी और जिहड़ा ये देखो नोइंगली एक बाग अपनी जीप चढ़ा देनी उन्होंने उपर किसानों के जिहड़े आराम नाल उत्थे जा रहे या वॉक कर रहे या खड़े है, ये इस तो माड़ी गल ही कोई नहीं। और जिहड़ा अंग्रेजा ने हिंदुस्तान के उपर जुलम किए राज किए और अज देश अपना है सरकार अपनी है, अज जो हो रहा ये तो उन्होंने भी उन्होंने तो भी अगे हो गया जो उन्होंने अत्याचार से उन्होंने पार करता है। इन्होंने कांग्रेस दफ्तर के अंदर अपना कैप्टन साहब की सोनी साहब की फोटो ला के कूड़े के उपर रखी है, वो बारे थोड़ा की कहना? जे कुछ यहोजा होया दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये चंगा नहीं है। कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी की काफ़ी लंबे समय तक सेवा की है, ठीक है जेडे डिफरेंस ओपीनियंस है वो हो गए, उन्होंने पार्टी छड़ती, लेकिन जे तुसी ये गल कह रहे हो कि कूड़े दे ढेर ते रखी है एदा बारे मैनू कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन एक कुछ एहो जिहा हैगा ते होना नहीं चाहिए। कांग्रेस दे हेड ऑफिस दे करीब जिहड़े किसान ने उन्हां दी मौत की है, पर जिहड़ी हुण जिस तरह हुण तुसी मौन व्रत रख्या है कि जिहड़े पंजाब ने लुधियाणे नाल संबंधित किसान ने उन्हां दे करिया कि कांग्रेस ही नीच पहुंचे किस तरह दे? देखो जिहड़े जिथे भी इहो जिहियां चीज़ां होईयां सारे साडा मोरल ड्यूटी साडी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि असं उन्होंने घरों भी जाइए उन्होंने नाल खड़े भी होइए और जिथे अगर कुछ यहोजा सीन हैगा भी असं नहीं जा पाए साडे जिहड़े उतों के इंचार्ज होणगे कांग्रेस पार्टी के या उतों के एम एल ए साहबान होंगे या साडे जिहड़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट होणगे असं उन्होंने नाल एक गल करके जल्द तो जल्द उन्होंने पहुँच भी करांगे और जो साडा बंदा फर्ज है उन्होंने अदा करने की कोशिश करांगे। देश अंदर जिहड़ा डेमोक्रेसी का घाण हो रहा वो मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी की अगवाई में
पूरे देश अंदर मोदी सरकार के विरुद्ध मौन वर्त रखा गया। जिस तरह पिछले दिनों च लखीमपुर खीरी चार किसान नौजवानों की कुचल के मौत की गई है, उन्होंने 302 दियां धारावां ला के परचे दर्ज करने चाहिए ने, तो उन्होंने अरैसट करना चाहिए। तो जिहड़ा देश का होम राज मंत्री अजय मिश्रा उसका रेजिग्नेशन BJP सरकार को लेना चाहिए, ताकि जिहड़ी जांच आ निरपक्ष हो सके ते तत्थां ते पहुँच के उन्होंने दोषियों नूं सज़ा मिल सके। देखो जो डेमोक्रेसी को खतरा हो, पूरे वर्ल्ड अंदर भारत एक अजिहा देश है जिथे डेमोक्रेसी का सत्कार होंदा सी, पर जब तो BJP सत्ता च आई आ डेमोक्रेसी को कुचलिया जा रहा। जो डेमोक्रेसी कुचलिया जाता हो सारिया पार्टियां सारे लोगों को इकट्ठे होकर एक आवाज़ बुलंद करनी पैनी, जो कि अज कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई थले हो रही है। देखो कांग्रेस पार्टी पहले दिन तो किसान मजदूरों के नाल आ, चाहे शहीद होए किसान ने उन्होंने परिवारों को 5-5 लाख रुपया राशि दी गई है, तो सरकारी जॉब्स दित्तियां जा रही। जे कितने कोई कोताही हुई है तो सरकार को अपील करांगे, असी चन्नी साहब की अगवाई जी चल रही है वो हर नुमाइंदा उत्थे पहुंचने का यतन करेगा, तो मैं आस आ कांग्रेस पार्टी के माध्यम राही भी तो सरकार के माध्यम राही साडे नुमाइंदे उत्थे जांदे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।